बोकारो के हरला थाना पुलिस ने छापा मारकर 280 बोतल केमिकल मिश्रित शराब बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। हरला थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि रानी पोखर गांव स्थित कुम्हार चौक पर अवैध शराब की बिक्री के लिए शराब का भंडारण किया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर लक्ष्मण कुमार पंडित के घर से केमिकल बरामद किया, वहीं 280 बोतल अवैध शराब भी जब्त किया। मामले में पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण कुमार पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। रानी पोखर के पास कुम्हार चौक में बड़े स्तर पर लक्ष्मण कुमार पंडित नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध देसी शराब का कारोबार किए जाने का सूचना प्राप्त हुई और उसके आलोक में ये लोग उसके यहाँ जाकर घेराबंदी कर छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में लक्ष्मण कुमार पंडित के दुकान से काफ़ी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ, जैसे इसमें दिलखुश, दिल से, बुलेट और चैंपियन चार तरह के कंपनी का रैपर लगा हुआ देसी शराब का 600 ml का कुल 127 बोतल और 300 ml का कुल 153 बोतल इन लोगों द्वारा बरामद किया गया है। ऐसे शराब का अगर काउंटिंग किया जा रहा है तो कुल 120 लीटर क्वांटिटी का शराब जब्त किया गया है। समाचार के लिए बोकारो से सुरेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।